सो फाइनली गाइस ये है मेरे पास Realme का 5 डिवाइस और आज के इस वीडियो के अंदर फुल रिव्यू देने वाले हैं जून मंथ के C.49 वाले अपडेट के रिगार्डिंग। गाइस यहाँ पे मैं आपको अबाउट फोन में जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो Realme 5 और यहाँ पे Realme 1.0 Android 10 और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कौन सा जो अपडेट है रन कर रहा है अभी। तो फिलहाल मेरे पास Realme 5 के अंदर C.49 का ये अपडेट है और ये हमारे पास ये आ चुका है। बहुत सारे यूज़र को अभी तक नहीं मिला तो धीरे धीरे करके मैंने उसके ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी। इससे पहले वाली वीडियो आप परसों मैंने बना रखी है तो वो वाली एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज लॉग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल ऑप्टिमाइज द स्पीड प्रोसेसिंग पावर बटन लाइट अप। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मींस के अच्छे मींस के चेंज लॉग अच्छा सा चेंज लॉग दिया गया है, काफ़ी बड़ा सा चेंज लॉग है। तो इसके अंदर जितने भी बग्स और इश्यूज है जितने भी बग्स इश्यूज देखने को मिल रहे थे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उनको मींस के फिक्स कर दिया गया है। तो गाइस चलिए यहाँ पे कैमरा सैंपल्स भी देने वाला हूँ, कैमरा लाइव टेस्टिंग सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ और इसके AnTuTu कोर भी आपको दिखाने वाला हूँ लाइव। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, 100 लाइक्स काम कंप्लीट कर देना, अगर हो सके तो 150 लाइक भी कंप्लीट कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं इस Realme 5 C.49 के अपडेट का फुल रिव्यू। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके कैमरा सैंपल की। तो कैमरा के अंदर गाइस आप देख सकते हो इसकी कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे बात करें अगर फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना दूसरा फ़ोन ओप्पो का लगा रखा है तो आप देख सकते हैं कैसी कुछ इंटरफेस कैमरा क्वालिटी आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा मींस के थोड़ा बहुत परफॉर्म अच्छा कर लेता है पहले के मुकाबले, मींस के थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट किया गया है कैमरा के अंदर भी। तो यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ इसके सैंपल्स फ्रंट और रियर कैमरा के और अलग अलग मींस के सैंपल शॉट आपको दे दूँगा। तो गाइस आगे बात करते हैं इसकी यहाँ पे स्पीड टेस्टिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से वर्क कर रहा है और नोटिफिकेशन पैनल की अगर हम लोग बात करें तो वही है रियल मी UI 1.0 वाला। तो गाइस ये है कुछ इसका फुल रिव्यू। तो गाइस आगे बात करते हैं इसके अगर बैटरी सेक्शन की। तो बैटरी के रिगार्डिंग गाइस बहुत ज़्यादा मींस के प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है कि भाई बैटरी जो कम निकालता है पहले के मुकाबले या कैसा है, मींस के बताओ एक बार जोर से फुल रिव्यू दो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ बैटरी परफॉर्मेंस वैसा का वैसा ही है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन बैटरी पहले के मुकाबले रियल मी UI आने से पहले बहुत अच्छी खासी बैटरी निकालता था लेकिन अभी बहुत कम बैटरी निकालने लगा है। तो आगे गाइस अगर हम लोग बात करें इसके AnTuTu स्कोर की तो यहाँ पे मैं आपको AnTuTu स्कोर के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं AnTuTu स्कोर। सिर्फ
88,482 सिर्फ इतने स्कोर्स ही आए हैं इसके। तो गैस कमाल की बात है, मीन्स के इतने कम एंटूटू स्कोर। तो गैस देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है यहाँ पे, मीन्स के कुछ समझ में नहीं आ रहा इतने कम स्कोर कैसे आ सकते हैं इसके। तो गैस कैमरा सैंपल आप आगे देख लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।